हाय, मेरा नाम है नील और आप देख रहे हैं ड्राइविंग मोटर्स। मैंने पिछले साल अपने पिताजी के लिए एक इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी थी। वो बाइक काफ़ी सुंदर है, पर उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि उसमें मडगार्ड नहीं है, और मडगार्ड नहीं होने की वजह से पानी बैटरी पे गिरता है, काफ़ी सारा सीट पे गिरता है, सामने का टायर भी वही करता है, कीचड़ पूरा इस तरफ फेंकता है, और बैटरी फ्रेम आपके कप पैंट शर्ट सब ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए मडगार्ड लगाना काफ़ी ज़रूरी है। फिर मैंने टायर के मेजरमेंट्स लिए। पहले तो मैंने साइकिल शॉप में एक मडगार्ड जो नॉर्मल साइकिल का होता है वो ख़रीदा, एंड चेक किया कि ये साइकिल में फिट हो सकता है क्या। फिर उसे दो हिस्सों में बांटा, प्लान किया था ऐसा ही कि उसे दो हिस्सों में बांटने के बाद बीच में एक पट्टी लगा के उसे चौड़ा कर सकें। मैंने अपने कॉलेज में वेल्डिंग करना सीखा था इंजीनियरिंग में। आपको वो हर तरह से एल जॉइंट और तरह तरह के जॉइंट आपको कराना सिखाते हैं, पर टूल्स ना होने की वजह से ये सब चीज़ बाहर से ही करानी पड़ी। फ्रेम चेक करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि कैसे इसे लगाया जाए। तो मेरे पुराने जो कवर्स थे प्लास्टिक के, उनमें से जो मेटल स्ट्रिंग्स मेटल प्लेट्स जो थे लगे हुए, उसको मैंने निकाला और ये नए मडगार्ड पे एडजस्ट करने की कोशिश की। जो मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में सीखा है कि मेजरमेंट्स बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्रोसेस में। अगर आप सही माप नहीं लेते हैं तो वो टेढ़ा मेढ़ा लगेगा और फिर उसको आपका सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। तो इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, जहाँ आपको मेजरमेंट लेना पड़ता है, एक लगाना पड़ता है, फिर खोलना पड़ता है, फिर आपको लगाना पड़ता है, और वापस से आप उसे मेजर हर एक मेजरमेंट ले के आप आगे एक एक स्टेप से आप आगे बढ़ते रहते हैं। सेम चीज़ आप हर सेक्टर में देखेंगे, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो, क्योंकि तो इवन जैसे कि कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखते हैं, आपको हर अपना कोड टेस्ट करना पड़ता है। जो भी आप फंक्शनैलिटी लिखते हैं कि इसे ऐसा काम करना चाहिए, वो फंक्शनैलिटी लिखने के बाद आप उसे टेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर आप उसे टेस्ट नहीं करेंगे कि वो सही काम कर रहा है नहीं, और आप पूरा कोड लिख देंगे कि इसके बाद ऐसा ऐसा ऐसा, और जब आप उसे रन करना चाहेंगे तो वो एरर थ्रो करेगा, तो उस टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है करेक्शन करना कि यहाँ पर इसकी वजह से दूसरा एरर आ रहा है या दूसरे की वजह से तीसरा आ रहा है। पर अब वही चीज़ आप सेगमेंट्स में आप थोड़ा करें और उसे चेक कर लें सही काम कर रहा है, फिर आप नेक्स्ट पे जाएं, तो आपको ये तो पता है पहले वाला सही है। अगर दूसरे में कहीं गलती है तो आप उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। हमने जो थोड़ा बिल्ड किया तो उसे हमने मेजर कर लिया कि वो सही जगह बैठ रहा है कि नहीं, और उसके बाद ही हम आगे बढ़े। वो मडगार्ड्स में मेजरमेंट लेने के बाद होल किए, होल करने के बाद उन्हें अच्छी तरीके से नट एंड बोल्ट जो एग्जिस्टेड थे उन्हें टाइट किया। फिर मैंने उन मडगार्ड मेटल फ्रेम को पेंट किया, एक दिन उन्हें सूखने के लिए रखा, और अगले दिन मैंने उन्हें सब अटैच कर दिया। और एक बार जब वो पूरा काम हो जाता है, आपको अलग तरह की ही खुशी महसूस होती है, चाहे वो किसी और के लिए महत्व ना रखता हो, पर आपके लिए वो ज़रूर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसके साथ मेरा ये प्रोजेक्ट फाइनली कंप्लीट हुआ और मैं बहुत खुश हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको देख के ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching Driving Motors. This is Neil signing off. You have a good one.